मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने सेक्टर 17 प्लाजा में एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चश्मा भेंट किया ताकि वो जनता की मुश्किलों को भली भांति देख सके। उन्होंने जनता से किए हुए वादे पूरे न करने का आरोप भी बीजेपी सरकार पर लगाया और चोर दरवाजे से डीजल और पेट्रोल के दामों में की जा रही बढ़ोतरी पर लगाम लगाने की मांग की। हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में जितने वादे किए थे उनको उनमें से एक भी वादा वो पूरा करने में नाकामयाब हुई है। और ये जो पोस्टर हमारे साथी लेकर बैठे हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब हमारे राज में एक पैसा भी पेट्रोल का दाम या सब्जियों के दाम बढ़ जाते थे तो ये एक सैनिकों की तरह, योद्धाओं की तरह सड़क पर उतरते थे कि शायद पता नहीं देश में कितना बड़ा एक गृह युद्ध छिड़ गया है। हम ये बताना चाहते हैं कि आज ये योद्धा कहाँ है। आज पेट्रोल का दाम चोरी से बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी को पता ही ना चले। एक महीने बाद पता चलता है कि 8 रुपये 10 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो आज हम इन योद्धाओं को एक मैसेज, स्मृति ईरानी जी को, राजनाथ सिंह जी को कहना चाहते हैं कि सामने आए और देश की जनता डिमांड कर रही है कि आप इन पेट्रोल के दाम, सब्जियों के दाम और जो असेंशियल कॉमोडिटीज हैं सबके दाम जो बढ़े हैं उसको कम कीजिए ताकि एक गरीब आदमी, आम आदमी की जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जी सके, जो ये देने में नाकामयाब साबित हुए हैं। और मैं इतना देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द देश की जनता इस सरकार का तख्ता पलट कर देगी।